गाइस वैसे तो सारे फौजी ही हमारे देश के हीरोज होते हैं, बट एक पैरा कमांडो बनने के लिए किस तरह की जीत और मेहनत और ट्रेनिंग लगती है आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, पैरा कमांडोज इंडियन आर्मी का सबसे ताकतवर ग्रुप होता है जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से जवान चुनकर लिए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पैरा कमांडो बनना इतना आसान नहीं, क्योंकि 10,000 जवानों में से किसी एक को ही पैरा कमांडो बनने का मौका मिलता है। जो भी जवान पैरा कमांडो बनने के लिए चुने जाते हैं उन्हें हिमाचल के नाहन में 3 महीने की कड़ी और असाधारण ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान जवानों को 20 किलो वजन अपनी पीठ पर लादकर 70 किलोमीटर तक दौड़ना पड़ता है। इतना ही नहीं, इन्हें बिना ऑक्सीजन के आसमान से छलांग लगानी पड़ती है और रस्सी के सहारे आसमान में उड़ना भी होता है। इनकी ट्रेनिंग कितनी कड़ी होती है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान दुश्मनों के हमले से बचने के लिए उन पर असली गोलियां चलाई जाती हैं। इतना ही नहीं, ट्रेनिंग के दौरान इन जवानों को कई कई हफ्तों तक सोने नहीं दिया जाता, इन्हें कई दिनों तक भूखे रखा जाता है ताकि जंगल जैसे इलाकों में ये कई दिनों तक बिना खाए बिना सोए लड़ सके। इनकी ट्रेनिंग इतनी कड़ी होती है कि तीनों सेना से चुने गए जवानों में 75% जवान अपनी ट्रेनिंग पूरी ही नहीं कर पाते और एक छोटी सी गलती होने पर इन्हें ट्रेनिंग से बाहर निकाल दिया जाता है। पैरा कमांडो की देश में करीब 11 यूनिट हैं, हर यूनिट में 120 से 130 जवान होते हैं। अनुमान के मुताबिक पैरा कमांडोज यूनिट में 4500 जवान होते हैं। पैरा कमांडोज की तैनाती कब और कहां होगी इसका कभी खुलासा नहीं किया जाता और ना ही इनकी सही संख्या कभी बताई जाती है। इन कमांडोज को सबसे खतरनाक और आधुनिक हथियार मुहैया कराए जाते हैं ताकि दुश्मन पर ये कहर बनकर टूट पड़े। पैरा कमांडो बनने के लिए तीनों सेना से 18 से 23 साल तक के जवान अपनी मर्जी से आवेदन करते हैं और 27 साल के होते ही इन्हें अपने मूल यूनिट में दोबारा भेज दिया जाता है। पैरा कमांडोज की शुरुआत पाकिस्तान से 1965 में हुए युद्ध से ठीक एक साल बाद 1966 में हुई थी। SF यानी स्पेशल फोर्स यूनिट में करीब 1000 जवान होते हैं जो मैदानों और रेगिस्तान में लड़ाई के लिए ट्रेन किए जाते हैं। वहीं एयरबोर्न यूनिट के जवान पहाड़ और ग्लेशियर में लड़ाई के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं। पैरा कमांडोज को किसी भी स्पेशल ऑपरेशन के लिए सीधा दिल्ली स्थित DGMO से निर्देश दिए जाते हैं। आपको बता दें कि तीनों सेनाओं के जवान कभी भी अपने शरीर पर टैटू नहीं बनवा सकते, लेकिन पैरा कमांडोज को इस नियम से छूट मिली हुई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो लाइक जरूर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।